A week has passed since the Prime Minister Narendra Modi demonetized 500 and 1000 rupee notes. Down to Earth, in lieu of this, visited the vegetable hawkers market at Okhla, Azadpur and Ghazipur to see how this move may have affected the traders and vendors over there. देखो जी नरेंद्र मोदी जी ने जो 1000 और 500 के नोट बंद कराए हैं तो वो सब बिक्री पे इतना बड़ा फर्क पड़ गया है कि ना तो खुला 100 का नोट है और जब 100 का नोट नहीं है तो अगर वो 200 रुपए की सब्जी लेता है तो 300 कोई देता ही नहीं वापसी 500 का लेके आता है और जब 500 का चल ही नहीं रहा तो वो ले ही नहीं रहे इसलिए सब्जी पे आधी सेल हो रही है आधी से भी कम सेल हो रही है अब वही मिलती है कि थोड़ा अब कम हो गया पहले खुला पैसा था 1000 के नोट 500 के नोट तो उसमें हम ज़्यादा प्याज छांट लेते थे अब थोड़ा कम प्याज बिक्री हो रहा है जब 500 का नोट नहीं ले रहे हैं आड़ती नहीं ले रहे हैं तो हम लोग भी नहीं ले रहे हैं तो दुकानदारी तो हल्की पहले से हो ही गई है तो बिक्री नहीं हो रही जो हर आदमी 500 का देता है 500 हम आगे भी देते हैं तो वो नहीं लेते हमसे तो इसलिए दुकानदारी नहीं हो रही ग्राहक ही नहीं है मंडी में इससे हमें मुश्किल ये आ रही है कि हमारी सेल ही नहीं हो रही मेन चीज़ तो ग्राहक हमारे पास आते हैं 500 के 1000 के नोट लेके हम ले नहीं रहे हैं और इस वजह से हमारी मार्केट के अंदर मंडी में बहुत परेशानी आ रही है और हम लड़ भी नहीं सकते कि जी लें जबरदस्ती जब ग्राहक नहीं देते हमें तो हम लेते भी नहीं 100 के नोट उनसे जो 100 के देते हैं उनसे हम ले लेते हैं जो 500 के 1000 के देते हैं हम नहीं लेते उनसे इस वजह से हमारे माल नहीं बिक रहे हमारी सेलें कम है हाँ ठिया लगाते हैं लहसुन का अब ये 8 दिन से बहुत धंधा हमारा ऐसा चल रहा है 500 के लोट के मारे हम लोट लेते नहीं हमारा आड़ती नहीं ले रहा उसका आगे नहीं जा रहे तो हम भी नहीं लेते हैं इसलिए हमारा धंधा ही नहीं हो रहा बिल्कुल बहुत परेशान है अब पहले हो जाता 10-12 हज़ार का ठिया पे दुकानदारी हो जाती है अब आ रहे हैं 3-4 हज़ार रुपये 2 हज़ार रुपये 2.5 हज़ार रुपये अब वो पैसे नहीं है किसी के पास खुले अब वो जा रहा है कोई 500 का नोट पकड़ा रहा है कोई ऐसे जा रहा है कल ले लियो परसों ले लियो ऐसे कह के जा रहा है भारी प्रॉब्लम हो रहा है अब जो चल जाता है दोहरा के कौन पैसे देने के लिए आ रहा है किसान भी नहीं आ रहा यहाँ पे उसका माल लेने कोई ले रहा अब यहाँ जो माल बेच रहा आरती वो बोल रहा कि 500 के नोट है तो पूरे 500 के माल ले जाओ अब जिसको 200 के माल लेना है वो 500 के माल थोड़ी ले लेगा डीजल वाला ले रहा है खाली डीजल पूरे पैसे देता है खुला देता नहीं है नहीं खाने के लिए के पैसा नहीं रहे एक रुप कोई 10,000 का देगा तो 10-300 का डीजल नहीं देगा 10-500 का देगा या पूरा 10 का देगा या 11 का देगा मतलब बीच में पैसे खुले नहीं करते तो उसकी वजह से परेशानी हो ही रही है अब कोई न कोई हल करके 100-200 रुपए खुले मिलते हैं पुलिस वाले लेते हैं तो बंद है उनको चाहिए खुले चाहिए ना तो बंद करने के लिए भागते हैं गाड़ी को वे भी बंद पैसे नहीं ले 500-1000 का नोट नहीं लेते वे भी तो अभी तक जो स्टॉक था उसके तो जिम्मेदार हम लोग हैं और हम लोग नुकसान कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो स्टॉक है डे बाई डे जो है वो ख़राब हो रहा है और आगे जा करके वो ख़राब के फेंकने की स्थिति में आ जाएगा लेकिन अब जो माल जैसे हम लोगों ने बिल्कुल बंद करा दिया है और आने वाले फ्यूचर में जैसे हम लोगों ने अब लोडिंग नहीं करा रहे हैं तो वो वैकेंड पे किसान लोगों के पास माल स्टॉक हो रहा है तो अब आगे किसानों को क्या दिक्कतें आएंगी और इन फ्यूचर में क्या होगा और कब तक ये सर्कमस्टांसेस रहेंगे ये तो हम लोग कह नहीं सकते पैसे की ज़रूरत पड़ती है हम लोग बहुत छोटे किस्म के आदमी हैं अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है जैसे हम पहले काम चला रहे थे उसी तरह आज भी उसी स्तर से हम काम चला रहे हैं हमें उसमें क्या परेशानी है फ़र्क थोड़ा ये पड़ेगा कि जहाँ 100 रुपये खर्चा करते थे 50 रुपये खर्चा करते थे वहाँ 20 रुपये और 25 रुपये से काम चलाएंगे देखो जी हम क्या बदल पाएंगे हमारे देश की गवर्नमेंट है हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके खिलाफ हम क्या कह सकते हैं उन्होंने जो निर्णय लिया अच्छा ही लिया होगा आगे के लिए उन्होंने ये बताया कि आगे आने वाले टाइम में सब अच्छा हो जाएगा तो हम इसके फेवर में अच्छा हो जाएगा तो हम इंतजार ही कर सकते हैं इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं जो हो रहा है आप लोग सब जानते हो सही हो रहा है जो हो रहा है वो जाने भाई हम तो मजदूर आदमी हैं क्या करें भुगत रहे हैं परेशानी It is clear that there is support for demonetization, but the working class and laborers are facing the brunt of this move. Some without bank accounts have been relying on trading money for a small premium. As there is a reduction in demand, there has been a reduction in supply, and eventually, this reduction in supply is going to be affecting the farmers the worst.